होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने पिघल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे बोल को देती रही, झूठ बोलती रही कि वन रैंक वन पेंशन लाएगी, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो, तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलेगी, वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पचारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है।